बच्चा लोग, माई सेल्फ सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट, आराध्य क्लासेस, CTM, अहमदाबाद। यस, अपना कैपेसिटर पे आज शायद 6th वीडियो है, मे बी। और कैपेसिटर के अंदर लास्ट वीडियो में हमने पोलराइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। पोलराइजेशन के आज अंदर दूसरा वीडियो बन रहा है। ओके, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, सर इसके आगे का वीडियो कहाँ है, पीछे का कहाँ है। अरे मूर्खा, YouTube पे जा, प्लेलिस्ट में देख, सारे वीडियो लाइन से इन ऑर्डर इन अ प्रॉपर वे अरेंज किए हुए हैं, देख सब मिलेंगे, ठीक है। चल, हाउ डज द पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक मोडिफाई द ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन का ये मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइइलेक्ट्रिक को रख देते हैं, तो अब ये जो अंदर वाला फील्ड है जो बाहर से आ चुका है, अंदर घुस चुका है, उसको ये लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं, क्या उसको जीरो कर देते हैं, क्या कम कर देते हैं, क्या करते हैं, तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके चलो, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन बहुत लंबा है, चलने वाला है धांसू लेवल पे। सबसे पहले तो तू ये देख कि किसी भी प्रकार का तेरा डाई इलेक्ट्रिक हो, एनी टाइप ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, पोलार और नॉन पोलार, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, नहीं पता है, एक सेकंड रुक, देख ये रहा नॉन पोलार, नॉन पोलार ऐसा होता है प्लस माइनस, नॉन पोलर में प्लस और माइनस एक ही जगह पे होते हैं ना, पोल नहीं होते, माइनस प्लस सेपरेट नहीं होता है, एक चिपके हुए होते हैं। हाँ, अब जैसे ये नॉन पोलर, समझ, अब जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जो माइनस प्लस एक ही सेंटर पे कोइंसाइड, उनको खींचेगा, खींच के अलग कर देगा ऐसे। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स से लोग अलग हो जाएंगे, तो अब देख, अब डाइपोल मोमेंट दिख रहा है ना, ये एक ही डायरेक्शन का, हाँ बनता है डाइपोल मोमेंट। अच्छा, पोलर में क्या होता है, पोलर में डाइपोल मोमेंट होती है लेकिन सब रैंडम होती है, ऐसे देख माइनस प्लस ऐसे रैंडम होती है, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होती, तो ये सब प्रॉपर डायरेक्शन में सेट हो जाती है ऐसे, माइनस प्लस। तो देखिए डाइपोल मोमेंट्स हो गए ना, अलाइनमेंट चेंज हो जाता है इनका। हाँ, तो देख, नॉन पोलर हो या पोलर हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो दे डेवलप्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट, समझा कि नहीं समझा, थोड़ा इंक डालना पड़ेगा, लाइट हो रहा है पेन। ओके, देख भाई, तो पहला पॉइंट यही है अपना कि पोलार हो चाहे नॉन पोलार हो, लिख डाई इलेक्ट्रिक व्हेन, अरे यार क्या हो रहा है, व्हेन पोलार और नॉन पोलार डाई इलेक्ट्रिक आर प्लेस्ड और केप्ट इन टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे डेवलप्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट। हाँ, ये फर्स्ट ओपनिंग पॉइंट तेरा धांसु होना चाहिए रे, थियरी चेक करने वाला देखेगा ओपनिंग पॉइंट्स धांसु होना चाहिए। अब देख, थियरी को आगे बढ़ाए उससे पहले दो चीज़ें सीखते हैं, पोलराइजेशन जो हम पढ़ रहे पिछले दो वीडियो से, उसका कुछ डेफिनेशन, कुछ फॉर्मूला कुछ है, हाँ है ना, बिल्कुल है भैया। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इन लोगों ने बोला ना कि डाइपोल मोमेंट डेवलप करते हैं, हाँ, तो कितना वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट बना उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। हाँ, तो डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आया डेफिनेशन, चल लिख, डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। चलो फॉर्मूला बनाते हैं, पोलराइजेशन इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे पंगा क्या हो गया, पोलराइजेशन का भी पी है
डाइपोल मोमेंट का भी पी है, तो क्या करेगा? तो एक काम कर, डाइपोल मोमेंट का जो पी है ना उसको स्मॉल कर दे, फिर भी नहीं पहचान पाएगा, तो यहाँ पे लिख दे पी टोटल, मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये पोलराइजेशन वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अच्छा डाइपोल मोमेंट को तो जानता है ना, अरे यार डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2aq, हाँ जानते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो पोलराइजेशन जाना तूने कि नहीं जाना? अब एक काम कर, पोलराइजेशन का यूनिट वगैरह तो बना साइड में जाके, तो कहाँ बनाओ, रुक, पोलराइजेशन का यूनिट यहाँ पे लेता हूँ, साइड में लिखता हूँ, देख, यूनिट ऑफ पोलराइजेशन, चल देख दोस्त क्या बनता है यूनिट, आ जा। ये डाइपोल मोमेंट है तो कूलम इनटू मीटर ऑब्वियसली, अरे कूलम एंड मीटर क्या यार, नीचे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब कैंसिल आउट, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब एमएलटी चाहे तो खुद बना लेना। ये पोलराइजेशन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मिल गया डेफिनेशन, मिल गया फॉर्मूला, मिल गया ठीक है। अब एक और चीज़ है, लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम है, मान ले लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, हाँ लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में डेफिनेशन पढ़ाया था पिछले वीडियो में, फिर समझा देता हूँ। लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम के पास ऐसा दो क्वालिटी हो, कैसा दो, कि एक तो उसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरा डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, हाँ ये दो अजम्पशन वाला मीडियम लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम कहलाता है। ठीक है, अब देख लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम में डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधी सी बात है डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इन दोनों का भी कनेक्शन बन गया ना, हाँ तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा नहीं समझा? समझना पड़ेगा, 12वीं में पढ़ता है भैया, हाँ चल ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो यहाँ एक कुछ कांस्टेंट आएगा ऐसा, और ये सॉरी ये क्या लिख दिए, ये क्या बना दिए, ये ना तो एक्स है ना कुछ और दिख रहा है, का है ये भाई, इसको काई बोलते हैं, काई काई, ये नया कांस्टेंट है तेरी लाइफ में आज, तो ये नया है तो इस पर थोड़ी बात करनी पड़ेगी, चलो साइड में जाके थोड़ा काई पे बात करते हैं, हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का ससेप्टिबिलिटी, फर्स्ट टाइम है नया है तेरे लिए, ससेप्टिबिलिटी, समझ रहे, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, हाँ हाँ क्योंकि मैग्नेटिक में भी आएगा, तब हम जब मैग्नेटिक के चैप्टर आएंगे तब उसको काई एम बोलेंगे, ओके तब ये इलेक्ट्रिक चैप्टर से, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ मटेरियल कैसा है उसके अकॉर्डिंग काई होगा, ठीक है, तो इसका डिपेंडेंसी दो चीज़ों पर, टाइप ऑफ मटीरियल, टाइप एंड टेम्परेचर, यस ओके। अब एक और चीज, इसका यूनिट पूछा गया एग्जाम में, तो इधर दे दूं यूनिट, देख काई का यूनिट क्या होगा, अबे काई इज इक्वल टू पोलराइजेशन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन का यहां से उठा ले कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन अपॉन कूलम, सेट कर दे आंसर, फिर खुद एमएलटी बना ले, है ना, तो अच्छा लगा ना थियरी, स्क्रीनशॉट ले और कमेंट तो डालता ही नहीं है, तो अभी थियरी खत्म नहीं हुआ बेटा, खत्म नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन था कि पोलराइज डाई इलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखें तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, घुसता है तो ये लोग अंदर ऐसा तो क्या करते कि वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आके मॉडिफाई हो जाता है, कितना मॉडिफाई होता है, क्या मॉडिफाई होता है वो डिस्कशन है, तो उसके रिगार्डिंग तो अभी एक ही पॉइंट दिया मैंने, ये तो सब इन्फॉर्मेशन है, थियरी में लेना है ठीक है, आगे काम आएगा इसलिए लिया, तो अभी मेन
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या मॉडिफाई होता है उसके बारे में अब बात कर रहे हैं हम। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लिया ना स्क्रीनशॉट, अब देख आगे थियरी को आगे दौड़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं फाइनली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक को रख के देखते क्या होता है। देख ये रहा डाइइलेक्ट्रिक, दिखा जो मैं लिखा, यस ये रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से जा रहा है वो तो ऐसा ही है, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसता है वो मॉडिफाई होता है। कैसे क्या मॉडिफाई होता है तो समझाता हूँ। देख तो पहले एक बात समझ, कॉमन सेंस की बात है, ये जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है आ कहाँ से रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। मान ले कैपेसिटर की प्लेट में से आ रहा है, सिर्फ समझने के लिए। तो ये रही कैपेसिटर की प्लेट, एकदम टच टू टच रखने का। हाँ ये रही कैपेसिटर की प्लेट, सिर्फ प्लेटें इसलिए बताइए कैपेसिटर की कि तुझे पता चले बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दे कहाँ से रहे, सर कहाँ से लेके आए। हाँ ये रहा बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा दो प्लेटों के बीच में, अब ये डाइइलेक्ट्रिक बीच में घुस गया। तो क्या होता है इस फिनोमिनन में, सिंपल सी बात है, इसका पोलराइजेशन होता है, इसका पोलराइजेशन होता है और एंड ऑफ द प्रोसेस इसके सरफेस पे ऐसा चार्ज इंड्यूस होता है, होता है ना। हाँ तो चलो इधर भी होता होगा, अरेंजमेंट सही करने का आपका, आपको पता है ना कैसे करते ड्रॉ। हाँ इसको पूरा यहाँ तक टच करवा देने का क्या फर्क पड़ता है। हाँ इसको भी टच करवा देने का। तो चल ये जो तुझे समझ में आया ना इसके बारे में एक दो पॉइंट डालते हैं, फिर थियरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चल पहला पॉइंट क्या बन सकता है इधर, क्या इन फिगर अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज केप्ड इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किया वो लिखने का। हाँ इन फिगर अ रेक्टेंगुलर, इन फिगर अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज केप्ड इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ पॉइंट ऐसे लिख सकता है। दूसरा पॉइंट, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, इस स्लैब को इक्वली पोलराइज करेगा। यस तो स्लैब इज बीइंग पोलराइज्ड, बस सिंपल इतना लिख दे तो भी चलेगा। अब देख बबुआ ध्यान से सरफेस पे जो चार्ज बन जाता है वो सब बताता हूँ शांति से, रुक। ऐसे होता है ना, हाँ हाँ अरेंजमेंट तो पूरा ऐसे होता है अंदर, तो फिर आधा अधूरा ड्राइंग लोगे सर तो मज़ा कैसे आएगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स सबने ड्रॉ किए ही नहीं थे। अरे कर दिए नहीं यार, मैं सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड बात करने लगा था, फिर पता चला कि नहीं ड्राइंग अच्छे से करके लास्ट में रिजल्ट लाएंगे तो बच्चे का मज़ा बना रहेगा, ठीक है। अरे ड्रॉ हो गया रे मॉलिक्यूल, ड्रॉ हो गया काहे घबराना। हाँ अब देख इसका कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम ले ले भाई, पहले तो तू ये बात समझ, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए, 3 × 4 12 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं, क्या 12 ही होते हैं, अरे करोड़ों होते अब्बजों होते हैं। हाँ तो सर आपने इतना ही क्यों किया, अबे थियरी समझा रहा हूँ जूम करके समझ ले, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है उसका ये जूम किया हुआ पोर्शन है। अब एक मिनट क्या कंपेरिजन होता बताऊँ, जैसे इसका छोटा सा कोई भी वॉल्यूम ले लें, यहाँ से इतना वॉल्यूम उठाया उसको बाहर ले जा, उसको यूं जूम कर देख तुझे अंदर क्या दिखेगा, इतना जूम किया ना। हाँ रुक लिख देता हूँ इसको, छोटे से वॉल्यूम को क्या किया अपन ने, जूम किया, समझा रहा हूँ लिखवाऊंगा बाद में, छोटे से वॉल्यूम को जूम किया तो उसके अंदर हमको ऐसा वेरी लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स दिखेगा। यस ऐसा तो तुझे करोड़ों अब्बजों बहुत सारे डाइपोल्स दिखेंगे यूं देख ले, तो तुझे पता चले ना कंपेरिजन किसी 12 ही मॉलिक्यूल्स हैं या फिर करोड़ों है, सिर्फ एक छोटा सा वॉल्यूम उठा उसमें इतने सारे हैं, वेरी लार्ज नंबर। अच्छा एक बात बता, इसका टोटल नेट चार्ज क्या होगा, इसका नेट चार्ज 0 होगा, क्यों, माइनस प्लस दे ऑल विल डिस्ट्रॉय म्यूचुअली और दे ऑल विल मेक न्यूट्रल टू ईच अदर, है ना।
अच्छा इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? वो जीरो नहीं होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। काहे? अरे हाँ, सब अरेंज हो गए ना, पोलराइज हो गए, ये पोलराइज हो चुका है, सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो चुकी है, हो चुकी है तो फिर जीरो कैसे होगी? हाँ रैंडम होती है इधर उधर तो जीरो आता है आंसर, लेकिन ये तो सब अरेंज्ड है तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अच्छा जीरो नहीं होगा तो कितना होगा सर? तो पोलराइजेशन इंटू वॉल्यूम जितना। कहाँ से लाए? अरे यार अभी तो समझाया था, पोलराइजेशन इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को यहाँ पे लगा दे, हो गया। हाँ हाँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकाला ना तू रफली एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, उसको अपने पॉइंट्स में डाल, थियरी लंबा कर। हाँ तो चल डालते, क्या पॉइंट डालेंगे? ये डाल दे कि छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में बहुत लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स होते हैं, इस एलिमेंट का टोटल चार्ज जीरो होता है, इसका नेट मोमेंट जीरो नहीं होता है, इतना होता है। ये दो तीन बातें लिख दे, चल थियरी डेवलप हो जाएगा। लिख इन एनी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, इन एनी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, सीधा लिख, एनी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स, फिर नेट चार्ज ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट, नेट चार्ज ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इज जीरो, फिर नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ये जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया ना, हाँ उसको डेल्टा वी बोल रहे अपन। बोल थियरी समझ में आ रहा है दोस्त? कहाँ से कहाँ पहुँच गया तू? पक्का? रुक तेरे को छोटा सा ब्रीफिंग करवाते थियरी का। चलो क्वेश्चन था कि डाई इलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर घुसता है, तो अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मॉडिफिकेशन होता है इस डाई इलेक्ट्रिक की वजह से, दैट वॉज आवर बेसिक क्वेश्चन ऑफ टूडे। तो हमने थियरी कहाँ से स्टार्ट किया? हमने पहला ही पॉइंट ये लिया कि सर चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा दो, उसका पोलराइजेशन तो हो जाएगा, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, पोलराइजेशन हो जाएगा तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो आएगा ही आएगा, आएगा ठीक है, पहला ही पॉइंट लिया। फिर पोलराइजेशन टाइटल लेके उस पर दो चार पॉइंट समझाए, उसका फॉर्मूला यूनिट, फिर लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में समझाया और उसमें काई नया टर्म लेके आए अपन से जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आए? उसके बाद ये ड्राइंग लिए और उस ड्राइंग पे ये पॉइंट्स दे दिए, क्लियर। अब जो आएगा वो फाइनल फेज है, अब फाइनली हम समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर क्या मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले, 1, 2 एंड 3। स्क्रीनशॉट इसलिए बोला कि मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी मिटा दूँ जगह की कमी की वजह से, इसलिए। चल अब इसका फाइनल निचोड़ ये निकल रहा है कि ये जो नियर बाई पॉजिटिव नेगेटिव है दे डिस्ट्रॉय ईच अदर, हाँ एक मॉलिक्यूल के नज़दीक का दूसरा मॉलिक्यूल है उनके पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जैसे देखिए प्लस माइनस ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया, इसने भी किया, इसने भी किया और इसने भी किया, ये भी करेगा ये भी करेगा, सब करेंगे, यस किसी की नहीं चलने वाली, सबको डिस्ट्रॉय होना है इसमें। तो अब देख अब तुझे क्या दिख रहा है, फाइनली सिर्फ सरफेस पे जो चार्ज बच गया ना, इधर भी देख सरफेस पे ही चार्ज बचा है कि नहीं, अंदर सब चार्ज एक दूसरे को जीरो कर रहे हैं। अच्छा ये जो सरफेस पे जो चार्ज है इसका डेंसिटी हम सिग्मा पी लेंगे, क्यों? ये डेंसिटी किसकी वजह से आया? यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? पोलराइजेशन की वजह से, वरना पहले सरफेस पे कुछ नहीं था, पहले सरफेस पे ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ही नहीं था, है ना, सब रैंडम अरेंजमेंट था। तो ये पोलराइजेशन की वजह से डेंसिटी आई, इसको बोलेंगे डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा जो बाहर का जो चार्ज है उसको तो सिर्फ सिग्मा बोलेंगे, काहे? अरे यार ये पोलराइजेशन की वजह से थोड़ी आया यार, तू कैपेसिटर लेके बैठा देख, ऐसा कैपेसिटर में जो प्लस प्लस माइनस है ये किसी के पोलराइजेशन से थोड़ी आया, कैपेसिटर तो चार्ज करके लाए हम लोग, तो इसका डेंसिटी सिग्मा, और इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक का डेंसिटी बना वो सिग्मा पी,
समझा। अच्छा ये बाउंड डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, बाउंड चार्ज डेंसिटी। ऐसा क्यों? ये बंधन में है रे, बंधन में है बिल्कुल। जैसे ही तू कैपेसिटर का प्लेट हटा ले, ये सारे यहां से छू मंतर हो जाएंगे। हाँ, इनको पकड़ के कौन रखा है? ई पॉजिटिव का अट्रैक्शन, इसलिए इनके बंधन में। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, नॉट फ्री कैरियर चार्जेस। तो दिस डेंसिटी इज ड्यू टू बाउंड चार्जेस, समझा। बस ये सब इंफॉर्मेशन को पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। चल थियरी खत्म हो गया, बस ये पॉइंट टू पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट क्या देंगे इधर कि इन डाई इलेक्ट्रिक नियर बाई पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रॉय ईच अदर, सो फाइनली चार्ज रिमेन्स एट द सर्फेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। पूरा लिखने की जगह नहीं है, ये वाला टोक दे। नियर बाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिस्ट्रॉय ईच अदर, फाइनली चार्ज रिमेन्स एट द सरफेस, फाइनली चार्ज रिमेन्स एट द सरफेस। हाँ, फिर लिख दे दिस चार्ज डेंसिटी, दिस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव सिग्मा पी, दिस इज बाउंड चार्ज डेंसिटी। यस, ये भी लिखना, बाउंड चार्ज डेंसिटी, क्लियर। अच्छा एक मिनट, ये जो चार्ज डेंसिटी है अंदर का, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ऐसे? ऐसा ये जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बाहर से आने वाली जो घुस गया था उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, तो ऑब्वियसली अब अंदर का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो कम पड़ जाएगा। हाँ, हो गया ना मॉडिफाई, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बढ़िया, चल मैं घुसता हूँ अंदर, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक ने क्या किया, अपने अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया जो अपोजिट में डाल दिया, तो बाहर वाले का सारा चर्बी ढीला हो गया, समझा। हाँ, बस तब ये लिख दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव सिग्मा पी इनसाइड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स वाई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड। ये हो गया फाइनल इफेक्ट, बस हो गया खत्म। बोल मजा आया थियरी में दोस्त? तो लिख कि हाँ सर मजा आया, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। और मान ले तुझे लगा सर इतना लंबा लंबा पॉइंट लिख के टाइम बिगाड़ रहे हो, हम खुद लिख लेंगे, तो भी कमेंट में डाल कि सर आप रहने दो, आप सिर्फ समझा दिया करो, हम पॉइंट लिख डालेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट डालते हैं कि सर नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे यार, नोट्स का बड़ा पंगा है मेरे साथ, मैं खुद श्योर नहीं होता हूँ। मैंने आज तेरे को मस्त नोट्स बना के दिए, तो वो नोट्स लेके बैठेगा पढ़ने, मैं जब क्लास में पढ़ाने आऊँगा तो नोट्स मुझे याद ही नहीं होगा, मैं तो अपना ही पढ़ाता रहूँगा, फिर मेरा बोर्ड वर्क नोट्स तेरा मैच नहीं होगा, तो तू फिर इरिटेट होगा, फिर बोलेगा अरे फेंको नोट्स, सर का बोर्ड वर्क लिखते फिर। तो ये सब थियोरिकल प्लान नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए मैं बोर्ड वर्क लिखवा देता हूँ ताकि तेरे को जो भी है ये है, बिंदास लिख, फुल मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं। थोड़ा टेक्स्ट बुक भी पढ़ भाई, टेक्स्ट बुक में से कुछ अच्छी लैंग्वेज उठा, मेरी लैंग्वेज बहुत रफ है क्योंकि पढ़ाने की जल्दी होती है ना, तो लैंग्वेज रफ आ जाती है, ज़्यादा सिस्टमेटिक लैंग्वेज बोलूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो तुझे क्या करना चाहिए, ये सारा थॉट यहाँ से समझना चाहिए, पॉइंट्स भी लेने चाहिए, लेकिन इन पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करके टेक्स्ट बुक में से लिखने का। हाँ हाँ, समझा। चल स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत हो गया भाषण, 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अभी एक और धांसू क्वेश्चन। हाँ ये है, वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि ये क्वेश्चन ख़त्म करके थोड़ा बाहर का फंडा, थोड़ा रिवीजन, कुछ फ़ायदा इस पूरी थियरी का, पूरे लेक्चर का निचोड़ सब रखा है ना। ऐसा नहीं करना कि अब बोल दिया सर ने तो फॉरवर्ड करके आगे भाग जाओ, रुक वीडियो देखते देखते जा तो मज़ा आएगा, ठीक है। चल क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। किसी डाई इलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, और मान लो पड़ता है तो कितना पड़ता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब समझ रहा है, मतलब
जैसे देखिए दो प्लेटों वाला कैपेसिटर है ना, ये दो प्लेटों का कैपेसिटर है, समझ ऐसे, ये रहा कैपेसिटर है ना। अब इसके बीच में मैं ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम घुसा दूँ, फुल्ली ऐसे घुसा दिया, तो अब कैपेसिटेंस में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वही चेक करना है। तो दो सीन हो गया ना, पहला सीन कि जब बीच में कुछ नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वोल्टेज कैसा है, कैपेसिटेंस कैसा है, वो सब नोट डाउन कर। फिर मीडियम को अंदर घुसा, फिर नोट डाउन करके इसके घुसने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, वोल्टेज ऐसा हो गया और कैपेसिटेंस ऐसा हो गया, थियोरी खत्म। समझ में आया स्ट्रेटजी टू टेक थियोरी, चल आ जा। तो हम यहाँ पे दो ऑप्शंस लेंगे। ऑप्शन वन, पहला, इन एब्सेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है अपना, कि जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अंदर नहीं है तो क्या क्या होता है। तो देख, पहले देख, कैपेसिटर बना, ये रहा, छोटा बना ना, जगह कम पड़ेगी लिखने में, हाँ, छोटा सा कैपेसिटर बना दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी, इनका एरिया क्या है, ए। अच्छा, इस पर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इस पर है माइनस सिग्मा, इस पर जो पूरा चार्ज है प्लस क्यू, इस पर है माइनस क्यू, और बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वी ओ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ओ है, कैपेसिटेंस इसका सी ओ है। हा हा, बस नोट डाउन हो गया ना, तो इसके बारे में लिखता जा, देख कितना कुछ है ड्राइंग में लिखने को बेटा, देख लिख, क्या लिखेगा, इन फिगर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ टू प्लेट्स ऑफ एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इज शोन। हाँ, इस पॉइंट में ए और डी डाल दे, अगले पॉइंट में सिग्मा और क्यू डाल देना, नेक्स्ट पॉइंट में ये डालना, फिर ये ड्राइंग में देख देख के पॉइंट्स बनने वाले अपने। चल पहला पॉइंट फिर से, इन फिगर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ टू प्लेट्स विथ एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय डी इज शोन। यस, चल स्पीड में, इन फिगर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ टू प्लेट्स ऑफ एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी इज शोन। तो पहले पॉइंट में दे रहा एरिया क्या है प्लेटों का वो बता दिया तूने, और डिस्टेंस क्या है वो बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ले, चल यस ले ले, नो प्रॉब्लम। चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड चार्जेस आर प्लस क्यू एंड सिग्मा, है वो समझा ना। हाँ, चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स प्लस और माइनस सिग्मा एंड चार्ज प्लस और माइनस क्यू, हो गया। अब ये जो जगह है इसको मारवाड़ी प्लानिंग करना पड़ेगा, रुको चेयर लाना पड़ेगा। ओके, देख बच्चा सुन, मैं आ रहा हूँ फ्रेम में। हाँ, अब हमको जब डाई इलेक्ट्रिक की एब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ना भैया? हाँ, नहीं दिख रहा तो कमेंट में लिख कि सर ब्लू कलर मत लो, नहीं दिखता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे जानता है तू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो 500 बार पढ़ चुका है। हाँ, अभी तो डायरेक्ट लेना है सिर्फ, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो वो भी लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स क्या होगा, तो देख ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ई डी, ये भी जानता है, अरे वेद वाला फॉर्मूला, अरे वी इज इक्वल टू ई डी वेद। हाँ ठीक है, अब ये ई आउटसाइड का फॉर्मूला ये रहा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, ये हो गया वोल्टेज। तो फिर अब क्या रह गया, अब कैपेसिटेंस रह गया ना, तो उसको भी ले ले, इधर ही जगह कम है,
कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स। हाँ एक मिनट, कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है दो प्लेटों के लिए, आना ही चाहिए ना यार, रोज तो पढ़ रहे, पिछले 5 वीडियो से यही तो पढ़ रहे हैं। ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। हाँ तो तीनों चीजें नोट डाउन कर ली। अब देख अब थियरी में क्या होगा, अब थियरी में डाइइलेक्ट्रिक को बीच में घुसाएंगे, वी विल इंसर्ट द डाइइलेक्ट्रिक इन सच अ वे सो दैट इट कैन ऑक्यूपाई द एंटायर इंटरवेनिंग स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। हाय हाय सर इतना क्या अंग्रेजी भूल गए। अभी हम एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को दो प्लेटों के बीच में डालेंगे, इस तरह से डालेंगे कि वो अंदर का पूरा फुल्ली फिल्ड हो जाए, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, जगह नहीं रहनी चाहिए कहीं भी। ठीक है चल, फिर ये सारे जो टर्म्स है वापस लाएंगे प्रूव करके और देखेंगे कि क्या फर्क पड़ा है। चलो दोस्त ओके, अब देख इन प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, दूसरा टाइटल क्या देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। चलो ड्राइंग के लिए जगह कम दिया, अरे जगह बचाना पड़ता है, इतने से बोर्ड में थियरी पूरा दिखना चाहिए। हाँ इसलिए ये सब मारवाड़ी विद्याएं करनी पड़ती है, यू नो मारवाड़ी विद्या मजा नहीं आया, प्लेट टेढ़ा हो गया, चाल सीधा हो जा बेटा, और बड़ा हो जा। ये सर का कैपेसिटर बड़ा हो गया अपने, बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा स्पेस वाला ड्राइंग किया है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है अब इनके बीच में फिलहाल देख इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 था ना। अब क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक को अंदर डालो पहले तो, यूं ये डाला, यस डाई इलेक्ट्रिक को डालते ही उसकी सरफेस पे ये बाउंड चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, अभी तो पढ़ाया भाई 10 मिनट पहले वो थियरी में। हाँ बाउंड चार्ज डेंसिटी की वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूं, वो क्या करेगा, जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में होगा। हाँ तो बाहर से आने वाला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, जो अंदर वाला है वो होगा सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन 0, हो जाएगा ना। चल पॉइंट्स लिखते हैं, समझा था आराम से, डोंट वरी। फर्स्ट पॉइंट, नाउ पुट अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, इंसर्ट, इंसर्ट लिख अच्छा लगेगा, नाउ इंसर्ट अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेटों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करो, इन सच अ वे इस तरह से करो कि सो दैट इट कैन ऑक्यूपाई द एंटायर इंटरवेनिंग स्पेस। हाँ चल, नाउ एज शोन, अरे हैंड राइटिंग छोटा हो गया रे, अरे लिखता हूँ बड़ा बिंदास, देखा जाएगा, जगह नहीं बचेगी तो मिटा देंगे। नाउ एज शोन इन फिगर, कैमरामैन कहाँ तक जाना है बताना, एज शोन इन फिगर, यहाँ तक जाऊँ, नाउ एज शोन इन फिगर अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स इन सच अ वे सो दैट इट ऑक्यूपाइज इंटरवेनिंग एंटायर स्पेस। हाँ बस क्लियर, ओके चल अब क्या होगा, तो सीधा रिजल्ट लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर द फाइनली चार्ज डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, यस एंड इट्स डेंसिटी इज सिग्मा पी एंड प्लस सिग्मा पी, राइट। तो लिख दे, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर फाइनली चार्ज डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ओके डन, दिस बाउंड चार्ज डेंसिटी
दिस बाउंड चार्ज डेंसिटी इज पॉजिटिव नेगेटिव सिग्मा पी। ओके, अब तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो उसके बारे में लिख, हमको तीन ही चीजों के बारे में लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऐसा था अब कैसे आ रहा है वो देखना है, फिर पोटेंशियल पहले ऐसा था अब क्या आएगा वो देखेंगे, कैपेसिटेंस पहले ऐसा था अब क्या आएगा वो देखेंगे, सिंपल है। चल देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव सिग्मा पी, ये होगा भैया सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख बाहर का जो इलेक्ट्रिक, ये रहा देख, दो प्लेटों को ध्यान से देख, घबरा मत, ये प्लेटों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये रहा सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, और अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये रहा सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन जीरो, तो दोनों अपोजिट है तो प्लस माइनस ओके, अंदर तो इफेक्ट कम हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर लिख कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ बिटवीन टू प्लेट्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, ये बड़ा है ये कम है, हाँ तो माइनस हो गया, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है दोस्त, जगह तो बहुत ले ली सर आपने, रुक छोटी जगह में लिखते इसको ताकि और ज़्यादा जगह, कैमरा मैन आप देखना पूरा दिखना चाहिए बच्चों को, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये समझा ना। हाँ, अब एक चीज़ क्या है कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा, लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हम जानते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा। क्या कर रहा है यार, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा पी, तो ये भी हो सकता है ना रिलेशन। हाँ, अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा कैपिटल के। यस, एंड वॉट दिस के इज, के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जानता है तू 50 बार पढ़ चुका है चैप्टर 1 में, इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, डाई इलेक्ट्रिक के लिए वैल्यू 1 से बड़ा होगा, होगा ना। हाँ ठीक है, चलो तो इसको रख साइड में, इधर रख। हाँ हाँ, अब इसको आगे बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इसकी जगह पे ले लूँ सिग्मा बाई के एप्सिलॉन जीरो। अरे दोस्त ये तो गड़बड़ हो गया क्या, देख इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, ये क्या है, ये पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कैमरामैन। हाँ, तो ये पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइड बाय के हो गया, देख मिल गया एक रिजल्ट। यस यस यस, मिल गया रिजल्ट, इसी की तलाश में थे हम लोग। हमारा क्या बात हुआ था थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कि दो प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक घुसा थे तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है वो देखना है, लेकिन मैंने बोला था हम ग्रेजुअली सब देखेंगे। तो सबसे पहले देख, जब प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये, लेकिन प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ गया, कम हो गया, डिवाइड बाय के हो गया, समझा। अब किसकी बारी, अब पोटेंशियल पे डिस्कस कर दे। चलो स्पेस तो मिलना चाहिए भाई, चलो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये रहा E इंटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, अब तो ये वाला है ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो के, हाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो के इंटू डी, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा हो गया, देख पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइड बाय के ही हुआ है शायद, हाँ वो भी डिवाइड बाय के हुआ है, देख ले ये जो है सिग्मा डी एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा आपका वी नोट, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी गिरा, ड्रॉप हुआ भाई। ठीक है चल, अब कैपेसिटेंस पे फाइनली क्या फर्क पड़ना है, तो आ जा चेयर लेके बैठते हैं और थियरी को खत्म करते हैं। तो देख कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स, नाउ कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस इज क्यू बाई वी जनरली, ओके क्यू को क्यू रहने दे, वी यहाँ से उठा ले, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू के, ये सारा ऊपर जाएगा क्यू इंटू एप्सिलॉन जीरो के डिवाइड बाय सिग्मा डी। अब ये क्यू की जगह अपन सिग्मा इंटू ए ले सकते हैं, वन ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी इंटू के, ये ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी का है, देख पहले वाला कैपेसिटेंस है जब बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं घुसा था ना, ये तब का कैपेसिटेंस है, तो इसकी जगह लिख ले
के इंटू सी जीरो। ओ, ये फाइनल आंसर है अपना। कैमरा मैन दिख रहा है यहाँ तक कि मैं बहुत बाहर चला गया? कंप्लीट आ रहा है। ओके, तो बच्चा लोग फाइनली थियरी ने हमको क्या सिखाया? हमको थियरी ने ये सिखाया कि जब दो प्लेटों के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड घुसता है डाइलेक्ट्रिक घुसता है बीच में, उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, अब यार एक और चीज़ है, थोड़ा सा बाकी रह गया, ऊपर वाले स्पेस में ले लो कुछ। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आप लाए, ये के का डेफिनेशन दो, पूछ सकते हैं, तो साथ में के का डेफिनेशन भी देते हैं। तो कैमरा थोड़ा इधर करना आप, चलो समझाता हूँ। देख, अभी रिसेंटली रिजल्ट क्या लाए हम, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के इंटू प्रीवियस कैपेसिटेंस, ठीक है। अब के को सब्जेक्ट बना तो सी अपॉन सी नोट आएगा, तो इसके बेसिस पे डेफिनेशन वन बनेगा तेरा। टिंग निंग निंग निंग, क्या बनेगा सर जी बताइए? बताता हूँ, देख लिखूंगा नहीं, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम टू द इन एब्सेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, समझा? लिख खुद। फिर एक और डेफिनेशन बना सकते हैं हम, देख, ये जो सी है ना, इसकी जगह ले ले ए एप्सिलॉन बाई डी, और इसकी जगह ले ले ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। अरे यार, मीडियम की एब्सेंस में हम एप्सिलॉन जीरो लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जब मीडियम प्रेजेंट हुआ तो हम ये लेंगे ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हाँ, ये सब कैंसिल हो गया, तो के आ गया अपना एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बनेगा, बना टिंग निंग 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 निंग, क्या बनाएगा? बना खुद, अब हो गया, बहुत पढ़ा लिया। चल अभी हो, इसका स्क्रीनशॉट ले तू मस्त थियरी का, और ये सारा जो लेक्चर आज पढ़ा ना उसका निचोड़ तेरे को देता हूँ अगले दो तीन मिनट में, पहले स्क्रीनशॉट ले ले। चल 1, 2 and 3। ओके बच्चा लोग, अब ये खास देखना, तू जो तू पढ़ रहा है ना उसके मतलब क्या निकल रहे। देख, अपन ने ये डाई इलेक्ट्रिक का जो झंझट है, अभी से नहीं, चैप्टर वन से हम ले रहे हैं इसको। हाँ देख, चैप्टर वन में हमने कूलम्स लॉ देखा था, याद है तुझे? चैप्टर वन में कूलम्स लॉ देखा था, क्या देखा था? कि दो चार्जेस हैं Q1 and Q2, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में मीडियम रख दूं, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक वाला मीडियम कुछ डाल दें, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा सर? तो फोर्स डिवाइड बाय के हो जाएगा, है ना? पढ़ा था कि नहीं चैप्टर वन में कि दो चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम घुसा दो तो फोर्स कमजोर पड़ जाता है, कितना कमजोर पड़ता है? डिवाइड बाय के। हाँ, तो अब आज यही चीज तो चैप्टर टू में सीखा तू, चैप्टर टू में क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिवाइड बाय के हो जाता है, सिंपल है, फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी होना ही है ना। हाँ, तो जैसे दो चार्जेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने से फोर्स कमजोर पड़ता है, डिवाइड बाय के हो जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी कमजोर पड़ता है दो प्लेटों के बीच में और डिवाइड बाय के हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही काम में आते हैं जब हाई वोल्टेज के न्यूमेरिकल्स या MCQs आते हैं ना, तब ऐसे से फंडे काम में आते हैं। सिर्फ थियरी रटने से, सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है, थियरी रटने से थियरी का मार्क्स मिलेगा, उसके अंदर का जो निचोड़ है ना, ये रहा, ये काम में लेना फॉर्मूला। एक और चैप्टर टू में आज ही पढ़ा हमने, कैपेसिटेंस पे पढ़ा। देख क्या कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है डाई इलेक्ट्रिक डालने से बीच में, फर्क पड़ता है कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाता है, बाकी सब बेचारे कमजोर पड़ते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो देख, बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने से फोर्स डिवाइड बाय के होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के होता है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है के टाइम्स हो जाता है। तो ये है लेक्चर का निचोड़। अब एक और लॉजिकल बात, क्या लॉजिकल बात? ये जो फॉर्मूला लाए अपन सी इज इक्वल टू, इसके लिए पिछले 15-20 मिनट से वीडियो चला कर रहा हूँ, थियरी के अकॉर्डिंग पढ़ा कर रहा हूँ, बिना थियरी के भी एक मिनट में तो इसका आंसर ला सकता है। यस, देख बताता हूँ, जब दो प्लेटों के बीच में कुछ मीडियम नहीं है तो कैपेसिटेंस क्या लेगा? ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी लेगा। जैसे ही बीच में कुछ मीडियम घुसा है तो तेरा एप्सिलॉन चेंज होगा ना, सिर्फ ए एप्सिलॉन बाई डी हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो ले ले। देख, जो इतना लंबा थियरी से आंसर लाया ना, मैं दो स्टेप में ला के देता हूँ तेरे को, ये सब कैंसिल आउट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया के, डाल दे उधर, बोल आया आंसर,
तो फिर इतना लंबा चौड़ा थियरी नहीं किया होता, सिर्फ वैसे किया होता तो भी काम हो जाता था। ठीक है चल, अब स्क्रीनशॉट ले ले फाइनली। लेकिन उससे पहले आराध्य कॉमर्स क्लासेस, आराध्य प्राइमरी क्लासेस को ये शेयर करवाओ रे, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, बच्चे की जान लोगे। और प्लीज़ कमेंट में लिखो आप अपना ओपिनियन लिखो। आई वेंट टू बिकम परफेक्ट टीचर। परफेक्ट टीचर मतलब आप मेरा ऑडियंस हो समझो। आप लोगों को कैसा जमता है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आई एम रेडी टू अपडेट माई सेल्फ। और एवरी डे हर टीचर है ना एक स्टूडेंट होता है जो हर रोज कुछ ना कुछ सीखता है। कोई भी टीचर बोले ना मैं महान हूँ फलाना हूँ ढिमका हूँ, गलत। टीचर बीइंग टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। आपको एक स्टूडेंट ही होना होता है। आप जैसे बच्चे हमको बोलते हैं कि सर ये थियरी में इतना पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखना था, तो अगली बार वो थियरी जब पढ़ाओ ना तब याद आएगा कि हाँ किसी बच्चे ने मेरे को टोका था, तो चलो इसको सुधार दे, इस काम को अच्छा करते, मॉडिफाई करते। जैसे प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो में क्या वीक पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, लिखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।